आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। लश्कर मंडी अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस का अप्रत्यक्ष कब्जा, महेंद्र सिंह गुर्जर निर्विरोध निर्वाचित। नगर निगम परिषद की बैठक में हुआ जोरदार हंगामा। सेंट्रल एक्साइज की टीम ने कोचिंग में मारा छापा और भामर मंडी चुनाव में एक वोट से हुआ अध्यक्ष पद का फैसला। और अब समाचार विस्तार से। मंडी अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में जहां लश्कर मंडी अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस नेहा साहब सिंह गुर्जर के भाई महेंद्र सिंह गुर्जर निर्विरोध निर्वाचित हुए, वहीं मुरैना मंडी अध्यक्ष पद पर रघुराज कंसाना की भाभी इंदिरा कंसाना विजयी रही। सब ऐसे बोल रहे हैं। कारण है सबसे ऑल इंडिया में कई भी अच्छा बता भी देता फल दिए में जब भूमि तो वहां खाली था मैं लेने आया तो बोला था मैं नहीं बहुत सही लगाए वाले बात करता ले ऐसे तो जान दो आत्मा ने बारा तेरावा नहीं चाहे जो सूरज मंडी समेत लश्कर के चुनाव में जिससे आप देख रहे हैं नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कुल 12 वोटर्स हैं और वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। इन लोगों के पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, मेटल डिटेक्टर लगाया गया और साथ ही लोगों को प्रमाण पत्र देखने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है, बाकी अनधिकृत लोगों को परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। नगर निगम परिषद की बैठक में नगर निगम के निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन के भूतल के व्यवसायिक उपयोग की अनुमति को रोक दिया गया है। इस दौरान दोनों पक्षों में काफी नोकझोंक देखने को मिली। 40 दिन बाद जो लेटर जो अपनी आपत्ति लगाई उसका जवाब अभी तक सेक्रेटरी वाले के पास नहीं आया। बोलो तो क्या कह रहे हो? प्रशासनिक भवन जल्दी बने इसकी चिंता हम पूरी पड़े तो इन कामों की भी अब ये पहली बैठक नव वर्ष के उपलक्ष्य में थी। मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप निष्पक्ष समाचार प्रकाशित करें और सभी को शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से बिंदु क्रमांक आज हमने सबने मिलकर नव वर्ष में सौहार्द्र वातावरण में एजेंडे के जितने भी बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है सर्वसम्मति हुई। नहीं वो नगर निगम जो ऑफिस बनाया जा रहा है वो नगर निगम के बेंच ने कार्रवाई चल रही है बेचने के कार्रवाई पर जो उसका भूतल है उसमें ऐसा प्रस्ताव आया था कि इसको बेच दिया जाए और इससे कुछ इनकम की जाए, लेकिन हमने सबने मिलकर सर्वसम्मति उसको स्थगित कर दिया। बामर मंडी अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में सरनाम सिंह गुर्जर ने बबीता कौशल को एक वोट से हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। बामर से हमारे संवाददाता शिवशंकर की विशेष खबर। उसी के खाने के कालम के सामने ही लगाएंगे। नीचे वाले खाने जैसे इसमें तीन खाने बने हुए हैं तीसरे में नहीं लगाना है दो में से ही लगाना है जिसके में दो में से जिसमें आपको वोट है। तो ये मतपत्र जो है
आपको यहाँ जा करके आप अपना निशान लगाएंगे और मोड़ करके ले आएंगे, जैसे भी यहाँ ना करके एटी में चल रहा ठीक है, मोड़ करके आप ले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां दो बदमाशों को पेश किया गया। बदमाशों ने पूछताछ करने पर बताया कि वे ग्वालियर से वापस जा रहे थे, वाहन न मिलने पर उन्होंने बाइक को लूट लिया। पुलिस को एक जब एक बार फिर की घटना है, उसमें दो पुलिस ने पकड़े हैं। 15 दिसंबर को दिनेश राठौर जो शिक्षक है वो महाराजपुरा क्षेत्र में दाने बाबा मंदिर के पास से निकल रहे थे मोटरसाइकिल से। अचानक दो अज्ञात बदमाश आए, उन्होंने कट्टा दिखाया और कट्टा दिखाकर फरियादी दिनेश राठौर से मोटरसाइकिल छीन ली, पर्स छीन लिया जिसमें 2000 रुपए थे और मोबाइल भी छीन लिया। आरोपियों ने तभी फरियादी से बात की थी कि हम तुम्हारी सिम ही फेंक दे रहे हैं और मोबाइल भी दे देंगे। उससे ये क्लियर हो गया था कि ये आरोपी आसपास के रहने वाले हैं, कोई बाहर के नहीं है। इस संदेह पर पुलिस ने जो लूट के संदेही थे, एक आरोपी सोनू उर्फ अमोल किरार, इससे पूछताछ की, जिसके ऊपर 4 लूट के अपराध पहले से ही थे। पुलिस ने जब पूछताछ की हुलिया के आधार पर तो उसने स्वीकार कर लिया। उसके साथ ही रामेश्वर किरार जो कि जोड़ा क्षेत्र का रहने वाला है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुमारपुरा निवासी 50 वर्षीय राजू रजक की लाश ठाटेपुर थाने के पास बने पुराने बंगले में संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। हेलो, हाँ बोले मैडम। आज एक डेड बॉडी कन्या विद्यालय थाटीपुर के पास मिली थी। जब उसकी शिनाख्त की गई जब तो राजू रजक करीब 50 साल की उम्र है। ये कल रात को 8 बजे घर से निकला था, किसी रिश्तेदार के जाने की कह के निकला था और कपड़े कम पहने था, शराब पीने का शौकीन था। तो ऐसा लगता है कि शराब के नशे में ये ठंड के कारण इसकी डेथ हुई है। हालांकि पुलिस उसमें जांच कर रही है, कोई और बिंदु आएंगे तो उसमें भी जांच की। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खबर अर्पण न्यूज़। दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा। क्या आप निसंतान हैं? समाधान है। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड केंद्र। जिंदगी की शुरुआत कीजिए हमारे साथ। 12 वर्षों का अनुभव एवं 810 सफलताएं, टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा, पुरुषों के उपचार की विशेष सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, इक्सी की सुविधा, एडवांस कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की सुविधा और उच्च तकनीक प्रयोगशाला। संतानहीनता से निराश व हताश दंपतियों के लिए आशा का केंद्र, होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, जगन्नाथ जी चैम्बर्स, स्टेशन रोड पड़ाव, ग्वालियर 2,
फोन 0751237655, फैक्स 0751237555, मोबाइल 9826266650। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। सेंट्रल एक्साइज की टीम ने लक्ष्मी कॉलोनी पहुंचकर कोचिंग पर छापा मारा और कोचिंग संस्थानों के दस्तावेज जब्त की। खबर लिखे जाने तक कार्यवाही जारी रही। बोलने तो कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे, मेरे को दिक्कत नहीं। बोलने मुझे बोलने नहीं, मेरे को क्या दिक्कत। मध्य प्रदेश में गुटखा प्रतिबंध को 9 माह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन पूरे शहर में बेरोक टोक गुटखा विक्रय जारी है। एडीएम द्वारा आज गुटखा विक्रय वाली दुकानों पर छापा मारा गया। नहीं, बुढ़िया वालों पे आज सुबह अकेले नहीं की गई, कल भी कार्रवाई की गई थी, परसों भी की गई थी, निरंतर कार्रवाई चल रही। गुटखा और जो तंबाकू और ये सब जो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके आज भी जलवाए गए हैं, कई हजार गुटखे आज भी जलवाए गए हैं। कल भी रेलवे स्टेशन के पास, गोले के मंदिर के पास कार्रवाई की गई थी, परसों भी कार्रवाई की गई थी। तो इस तरह से निरंतर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और आगे भी चलती रहेगी। समापन माधव कॉलेज में किया गया, जहां कॉलेज के प्राचार्य ने छात्रों को यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। बड़ा कारण यह है, यदि हम इन नियमों का पालन करेंगे तो जो एक्सीडेंट यदि घटना है, यातायात के नियमों का पालन करेंगे और साथ ही साथ अपने घर वालों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, ठीक है। हम इस बात की शपथ लेते हैं, यातायात के नियमों का पालन करेंगे और अपने सभी मित्रवरों को नियमों का पालन करने के लिए। तो बताएं किस तरह से बच्चों को यातायात के नियमों के संबंध में शपथ इसलिए कि जो यातायात जो हमारे शहर में यातायात की जो स्थिति खराब हो रही है, उसे बच्चे यदि सही ढंग से विधि के नियमों के अंतर्गत यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से यातायात को सुधार होगा। बच्चों ने शपथ ली, बच्चों ने करीबन 100 बच्चों ने आज शपथ ली इस संबंध में, और उन्होंने इस बात की शपथ ली कि हम विधि के नियमों के अनुसार ही यातायात के यातायात सप्ताह के अंतर्गत आज बच्चों को नियमों की जानकारी तो होती है लेकिन उसका पालन नहीं करते। जेवाईएमसी में चल रहे अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन में युवक युवतियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में आए प्रतिभागियों ने बताया कि ऐसे सम्मेलनों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देवी मंदिर के पास अन्नपूर्णा देवी मंदिर के पास सावलगढ़ में अपने भाई के लिए कैसी कन्या चाहेंगे, अपने पालन पोषण कर सके, अपने घर गृहस्थी को संभाल सके। यहाँ अभियान चलाया है कि हमारे जो भी युवक प्रत्याशी कि कुछ ना आप कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए। हम कोई दहेज लेने के इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे भाई जिनका प्रवस्टिक मांग, मेरे भाई जिनका प्रवस्टिक मांग राजेंद्र अग्रवाल। 46 लग गई, गलत हो गई सर। आप विदुर हैं, आप स्वर्गीय श्री बहन की शादी हो गई, भैया की भी शादी हो गई। भाई आपसे बड़े हैं जी, अभी आपके साथ खुद से प्रस्तुत करें। अभी लगभग 1350 करीब दर्जे हम लोग मंच के माध्यम से करा चुके हैं, जो है हम ज्योतियों के, जो कि ये हमारा क्रम कल शाम तक चलेगा और पूरे संभाग से लोग यहाँ पधारे हैं। मुरैना, जोरा, सबलगढ़, केलारस और बल्कि बड़े बड़े शहरों से, इंदौर से, भोपाल से भी लोग हमारे बीच में आए और इसमें समाज के पूरे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें कई लोगों ने तो हमें खाने पीने की व्यवस्था भी समाज को बाहर के लोगों ने भी जाकर ये और ये आयोजन। मुख्य समाचार एक बार फिर।
लश्कर मंडी अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस का अप्रत्यक्ष कब्जा, महेंद्र सिंह गुर्जर निर्विरोध निर्वाचित। नगर निगम परिषद की बैठक में हुआ जोरदार हंगामा। सेंट्रल एक्साइज की टीम ने कोचिंग में मारा छापा और बामर मंडी चुनाव में एक वोट से हुआ अध्यक्ष पद का फैसला। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।